नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे धमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। भैया आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वेरी करता है या कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो के अंत तक चिपक कर बन रही है, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी के सभी जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात बताता हूं आप लोगों को, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होता है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, हर एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट होता है। कहने का मतलब कि कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया तो सारे के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। और ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये सरफेस पर के पोटेंशियल के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं कंडक्टर के सतह पर जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज जो होता है, जिसको पोटेंशियल कह सकते हैं, विद्युत विभव हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी चालक के सतह पर जो पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव होता है, वो अंदर वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है और हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने बता दिया कि अंदर में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। तो देखिए, जीरो कहना ज्यादा सही नहीं होगा, ज्यादा कहना सही होगा कांस्टेंट, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इन सब बच्चों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया, सबसे पहले सही जवाब दिया, जिनका नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सब बच्चों ने सबसे पहले सही जवाब दिया। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आप सुबह 6 बजे उठकर रोज क्वेश्चन का जवाब देते हैं, रोज रिवीजन करते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, जो सब लोगों के बस की बात नहीं है, सब लोगों के ये क्षमता की बात नहीं है कि सुबह 6 बजे उठकर क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का जवाब देना और हमेशा वीडियो को रेगुलरली देखना, पढ़ने वाला वीडियो को रेगुलरली देखना। इस तरीका सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और आज का क्वेश्चन कैपेसिटर से पूछ दूं कि कैपेसिटर में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में आपको खाली जगह को भरना है और खाली जगह ये है क्यू बराबर खाली जगह भी, क्यू बराबर खाली जगह और भी। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, एम्प्टी स्पेस में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आएगा, क्यू बराबर ब्लैंक स्पेस इनटू भी। तो आपको जल्दी से बता रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या भराएगा। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से बता दिए होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, लाइक करने का आदत डालिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क लगता है। आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हमेशा अच्छी तरीके से हम सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने आप में ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।